Hey guys, कैसे हैं आप लोग। आई एम श्योर कि आप लोग जो है बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइज, आज जो है आप लोग के लिए एक और नया टॉपिक लेकर आया हूं अपार्ट फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग, क्योंकि इस पूरे चैनल के ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है डिजिटल मार्केटिंग आपके एफिलिएट मार्केटिंग को सपोर्ट करने के लिए। सो यहां पर जो है 2021 के अंदर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो उसका फ्यूचर जो है वो क्या रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर 6 ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में बताने वाला हूं जो कि 2021 के अंदर जो है अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में रहना चाहते हैं तो आपके लिए जो है इनके ऊपर फोकस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मंजीत डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट। तो चलिए चलते हैं हमारे आज के टॉपिक की तरफ जो कि है फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग इन 2021। तो पहला जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज वॉइस सर्च। सो गाइज, अगर आप वीडियो आप जो है यहाँ पे वॉइस सर्च के बारे में बात करें तो नॉट वीडियो वॉइस सर्च के बारे में बात करें, क्योंकि वॉइस सर्च जो है वो डे बाय डे जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम एक डिजिटल मार्केटिंग जो हमारा एसईओ करने का जो तरीका है वो बिल्कुल हमारा जो है वॉइस सर्च के अकॉर्डिंग होना चाहिए, कि हमें फोकस करना पड़ेगा कि वॉइस सर्च में लोग अगर किसी सर्विस को या किसी प्रोडक्ट को अगर सर्च करेंगे तो वो किस तरह से करेंगे, उसके बारे में आपके पास डेटा होना चाहिए। उसको एनालाइज करके ही आप जो है यहाँ पे इस बेसिस पे आप उस चीज का जो है एसईओ वगैरह करेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए ये बहुत ही यूजफुल रहेगा। सेकंड जो है यहाँ पे 2021 के अंदर जो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। अभी 2019 के अंदर 20 के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया गया, लेकिन आने वाला फ्यूचर जो है बहुत ज्यादा हमें इसका देखने को मिलेगा। और मैं आपको बता दूं, इसके लिए मुझे शायद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज की डेट में YouTube के ऊपर जो है बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो एक बहुत बड़े क्राउड के लिए क्या बन चुके हैं, इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं। अगर कोई भी ब्रांड जो है उनको अपनी सर्विस के बारे में बोलता है प्रमोट करने के लिए, अगर वो प्रमोट करते हैं तो उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू टेक देयर सर्विसेज जो वो रिकमेंड कर रहे हैं उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी जो है वो आने वाले समय के अंदर जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ये ट्रेंड जो है यूट्यूब वगैरह जो है आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे लोगों के जो फॉलोअर्स हैं, नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं वो भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक एक इन्फ्लुएंसर जो है वो बहुत बड़ा बड़ा एक ब्रांड बन चुका है। तो ये मार्केटिंग के ऊपर भी हमें जो है फोकस करना पड़ेगा। अगर किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को हम प्रमोट करना चाहते हैं तो उस निश्चय रिलेटेड जो भी आपका इन्फ्लुएंसर मार्केटर है आप उससे कांटेक्ट करें और वहां से जो है अगर आप प्रमोट करते हैं तो डेफिनेटली आपको बेटर रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। तीसरा, अगर मैं यहां पे बात करूं विजुअली एनहेंस एड्स, तो विजुअली एनहेंस एड्स जो है बेसिकली एक वो तरीका है एड करने का जहां पर आप जो है अगर किसी भी प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल शू को बाय करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जो है अपने जैसे हम दुकान पे अगर जाते हैं तो वहां पे हम क्या करते हैं जो भी शूज है हमें पसंद आते हैं उसको हम ट्राई करके देखते हैं तो कि वो कैसा लग रहा है। तो सेम वे यहां पे जो विजुअली आपकी एड्स है ये भी आपको कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती हैं जहां पे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट को यूज करना है बाय करना है तो आप उसको जो है वर्चुअली यहां पर जो है पहन के देख सकते हैं और जिससे आपको पता चलेगा कि वो आपके ऊपर कैसा सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो ये एक जो है काफी अच्छा ट्रेंडिंग टॉपिक जो है वो रहने वाला 2021 के अंदर। इसके बाद हमारे पास चौथा रहने वाला है दैट इज वीडियो मार्केटिंग। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप एक खुद का यूट्यूब वगैरह के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम या फिर पिंटरेस्ट वगैरह के ऊपर जो है आप एक अपना पे बहुत अच्छी प्रोफाइल बना सकते हैं और उनके ऊपर आप वीडियोस डाल सकते हैं। अगर आपके पास एक अच्छा खासा फैन बेस हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके जो रिजल्ट हैं वो काफी आपकी जो अर्निंग्स है मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट नॉट अर्निंग इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी यहां पे बचेगी और आपका जो टाइम इन्वेस्टमेंट है वही आपके लिए एक तरह से जो है इन्वेस्टमेंट बन जाएगी और इससे भी आपको काफी ज्यादा जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो पांचवा यहां पे है आपका फनल्स का जो सेल्स फनल्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, अब ये जो है धीरे धीरे आउटडेटेड होता जा रहा है। अब जो है सेल्स फनल्स को थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस लाए गए हैं, इसको कहने लग गए हैं फ्लाई व्हील्स। अब बेसिकली फ्लाई व्हील्स कहने का मतलब है बेसिकली अगर सिंपल भाषा में मैं यहाँ पे आपको बताऊं दैट इज कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग, बट यहाँ पे फ्लाई व्हील्स के अंदर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे जो है रिप्रेजेंट करा गया है।
तो यहां पे क्योंकि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर जो है यहां पे पैसा लगाया जाएगा और वो उनको जो है यहां पर एक ऐसा स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा कि वो ऐसे कुछ इन्फ्लुएंसर्स को जो है आपके साथ में, आपके ब्रांड के साथ में एसोसिएट करें जिनके पास में भी काफी अच्छी खासी गैदरिंग हो, क्योंकि किसी भी कंपनी, किसी भी डिजिटल पर्सन के लिए जो है, डिजिटल मार्केटिंग करने वाले पर्सन के लिए मल्टीपल लोगों तक पहुंच पाना जो है वो कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन अगर एक इन्फ्लुएंसर सेम निश में काम कर रहा है और उसके कई सारे फ्रेंड्स होते हैं सेम निश में काम करने वाले, तो ये जो है एक काफी तरीका अच्छा होने वाला है जिससे कि रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे, और क्योंकि यहां पे माउथ पब्लिसिटी जो है वो हर किसी के पास में काफी वैल्यू रखती है, तो ये एक नया तरीका जो है यहाँ पे आने वाला है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए, सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए। और सिक्स्थ जो आपका है दैट इज एआई पावर्ड चैटबॉट्स। तो यहाँ पे एआई पावर्ड चैटबॉट्स जो है बेसिकली यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो है चैटबॉट्स बेसिकली आपके, भले आप ऑनलाइन रहो ना रहो, लेकिन आपके बिहाफ के ऊपर जो है ये चैटबॉट्स काम करेंगे। आप एक सीक्वेंस बना सकते हैं कि आपका क्लाइंट जो है वो आपसे क्या क्या डिमांड कर सकता है, तो आप उस क्लाइंट के सामने क्वेश्चंस पुट करते हैं, फिर वो उसका आंसर करता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट करते हैं, फिर वो आपका आंसर देता है, ऐसे करके जो है आप क्लाइंट से उसको बिल्कुल ऐसी लोकेशन तक लेके चले जाते हैं जहां पर वो एक्चुअली जाना चाहता है। सो अगर इन आपका एआई पावर्ड चैटबॉट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो कन्वर्जन है, राइट, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या बहुत सारी सर्विसेज हैं, उसमें से जो क्लाइंट की नीड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको जो है यहां पे फाइंड आउट करने में आपके ये चैटबॉट्स जो है काफी हेल्पफुल रहते हैं, और इससे आपका जो कन्वर्जन रेशियो है वो भी काफी अच्छा हो जाता है। तो ये आपके छह ऐसे हॉटेस्ट टॉपिक्स हैं, मार्केटिंग ट्रेंड्स हैं बेसिकली, जो कि 2021 के अंदर आपको फोकस करने को मिल चाहिए जब अगर आप एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं या डिजिटल मार्केटिंग करते हैं। सो गाइस, आई होप कि आपको जो है ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा उनसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल का आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल पाए। तो फिर मिलते हैं ऐसे और अमेजिंग वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ।